ऐसा माहौल होता था उस समय जब रामपाल जी महाराज के अनुयायी यहाँ पूरी जो प्लेटफॉर्म पे बैठे होते थे तो कहीं लेटते अपना दंडवत प्रणाम करते थे, कहीं अपना मंत्र जाप करते होते थे, क्या माहौल था आपने आंखों से देखा कभी? हाँ सर, होती थी इसके ऊपर वो अपने मनकों की माला लेकर के हाथ में जाप करते थे, दंडवत प्रणाम यहाँ पर किया जाता था, तो कैसा माहौल? पैसेंजर प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर खड़ी है। बैठने वाला कोई नहीं है, बार बार अनाउंसमेंट हो रही है कि रामपाल जी महाराज के अनुयायी जब यहाँ होते थे उस समय जो अनाउंसमेंट का आश्रम बरवाला के संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी यहाँ पर आपको नजर आते थे वो आज बिल्कुल भी यहाँ नहीं है, तो यहाँ की जनता पड़ा है सर। रामपाल जी महाराज के अनुयायी जो हजारों की संख्या में आते थे तो चाय पीना ब्रेड खाना वगैरह वगैरह सभी चीज सामान आपसे लेते थे, अभी जो बिल्कुल सुनी पड़ी है आज प्लेटफॉर्म, कितना असर पड़ा है हर एक व्यक्ति के बिजनेस पे, चाहे आपका भी लगा लिया। बिल्कुल बहुत असर पड़ा सर जी, इस चीज का पहले तो काफी काम था उनका, जी आते थे जी, आते थे जी, पेशी पोशी होती थी उनके तब आते थे जी, अब तो काफी फर्क पड़ गया। ये आप देख रहे हैं हिसार रेलवे जंक्शन की जो प्लेटफॉर्म है इस समय पूरी की पूरी प्लेटी खाली पड़ी है, इसके ऊपर जो है कहीं ना कहीं चटाइयाँ बिछी होती थी और रामपाल जी महाराज के अनुयायी अक्सर यहाँ पर दंडवत प्रणाम करते नजर आते थे। परेशान तो नहीं करते थे वो, अपना कुछ परेशान नहीं करते थे जी जी, उनका वो सिस्टम था उसके हिसाब से। नमस्कार। हरियाणा हेडलाइन देखने वाले सारे दर्शकों ने राहुल सैनी की तरफ से प्यार भरी नमस्कार। दोस्तों अगर आप चैनल पे नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन जरूर दबा लेना ताकि जो भी हम वीडियो डाल लें उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। चलो शुरू करते हैं आज की वीडियो, इसके बारे में आप क्या सोचते हो हमें कमेंट्स करके जरूर बताना, धन्यवाद। कोरोना काल के दौरान रामपाल जी महाराज के अनुयायियों का हिसार में आना जाना बिल्कुल बंद है इस समय, तो हम आज आपको रेलवे स्टेशन हिसार जहां सबसे ज़्यादा जो है भारत के हर राज्य से जो है रामपाल जी महाराज के अनुयायी रेलवे स्टेशन के ऊपर ही उतरते थे और यहां से जो वापसी, अभी मैं घड़ी का समय बता दूं ये लगभग 3:30 बजे का समय है और 3:30 बजे 4 बजे कई बार 5 भी बज जाते थे, तो ये समय वो होता था जब यहाँ आपको जो है सभी रामपाल जी महाराज के अनुयायी ही नज़र आते थे। आज ये सुनसान पड़ा सिस्टम जो आज फिर एक बार रामपाल जी महाराज को बिल्कुल पुकार रहा होगा, जहाँ हजारों की संख्या में जो है सतलोक आश्रम बरवाला के संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी यहाँ पर आपको नजर आते थे वो आज बिल्कुल भी यहाँ नहीं है, तो यहाँ की जनता के क्या रुझान है, क्या जनता चाहती है कि रामपाल जी महाराज के अनुयायी फिर लौट आएँ? और रेलवे जंक्शन की अगर मैं बात करूं तो 18 नवंबर 2014 के अंदर जब बरवाला कांड हुआ था उस समय की अगर मैं बात करूं तो जींद जो जंक्शन है वहां से जो है उच्च अधिकारियों ने जो मांगा था एक जवाब मांगा था कि जब बरवाला कांड से पहले जब वहां पर कितना इनकम होती थी रेलवे जंक्शन जींद की, बीकानेर मंडल ये लगता है, एक जवाब मांगा था कि कहां क्या दिक्कत आ रही है, जो है पूरा लॉस में एकदम चला गया था, तो उसी प्रकार अब फिर लॉकडाउन लगा और रामपाल जी महाराज के अनुयायी लगातार जो इशार रेलवे स्टेशन के ऊपर सबसे ज़्यादा एक वजन रहता हर एक प्लेटी पे जो अंदर का भी दिखाएंगे आपको किस तरीके से खामोश है हिसार का रेलवे जंक्शन। भारत का राज्य हरियाणा और हरियाणा राज्य का ये वो पवित्र जगह है जिसको संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी एक हिसार जेल धाम के नाम से पुकारते हैं, तो मेरे पीछे आप देख रहे हैं हिसार जंक्शन है, यहाँ से सभी भक्तों का एक आवागमन होती है। दूसरा मैं दिखाना चाहूँगा यहाँ पर टिकटें बनाई जाती है, रामपाल जी महाराज के अनुयायी भली भांति जानते हैं कि यहाँ जो है सबसे ज़्यादा जो टिकटें बनती थी रामपाल जी महाराज के अनुयायी जैसे ही तारीख से फारिग होते थे कोर्ट का आदेश आता था कि रामपाल जी महाराज के अनुयायियों की और उनकी तारीख हो चुकी है उसी समय यहाँ से कतार लग जाती थी और लंबी लंबी कतारों में यहाँ टिकट बनती थी, तो उनका ताला लगा हुआ है कहीं ना कहीं याद कर रहा होगा रामपाल जी महाराज के अनुयायियों को। ये आप देख रहे हैं हिसार रेलवे जंक्शन की जो प्लेटफॉर्म है इस समय पूरी की पूरी प्लेटी खाली पड़ी है, इसके ऊपर जो है चटाइयाँ बिछी होती थी और रामपाल जी महाराज के अनुयायी अक्सर यहाँ पर दंडवत प्रणाम करते नजर आते थे अपने गुरुदेव को, इस तरफ जो है यहाँ से सीधा जो ऐसे प्रणाम करते थे, तो इधर जो है हिसार की कोर्ट और कोर्ट के पास जेल नंबर 2 और जेल नंबर 1 का जो है इस साइड ही जो है सारा का सारा सिस्टम है, तो यहाँ पर जो है रामपाल जी महाराज के अनुयायी करते थे दंडवत प्रणाम अपने गुरु को याद करते थे, तो एक जो आस्था गुरु के प्रति वो काबिले तारीफ थी क्योंकि रामपाल जी महाराज के अनुयायी जो है रात्रि के समय ही जो है पहुंच जाते थे और अगले दिन जो शाम तक यहाँ पर रुके रहते थे। हिसार की जनता पर और हिसार के जो चाहे ऑटो चालक है चाहे धर्मशाला वाले हैं या कोई होटल वाले हैं सभी के ऊपर एक बहुत बड़ा असर पड़ा है। पिछली कवरेज में हमने आपको कुछ लोगों से रूबरू भी कराया था, मटका चौक क्रांति पार्क जो चमचेड़ पार्क जिसको बोलते हैं वहाँ से जनता की आवाज़ थी कि कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा असर पड़ा है क्योंकि हर एक व्यक्ति का जो रोजगार काफ़ी ज़्यादा चलता था।
ये अगर मैं पुल की बात करूँ तो पुल के ऊपर जहाँ भी देखा जाता था तो यहाँ पर पूरा का जो पूरा पीछे तक 4-5 नंबर ये जो है प्लेटफॉर्म है, उसके बाद 2-3 और उसके बाद 1, ये पूरा का पूरा जो है सभी जगह जो है रामपाल जी महाराज के अनुयायी अपनी चटाई बिछाई यहाँ पर विश्राम करते थे। ये पूरा देख सकते हैं आप किस तरीके से खाली पड़ा है, तो का पूरा हर एक व्यक्ति के ऊपर पड़ा है। और स्टेशन की अगर मैं बात करूँ रेलवे स्टेशन हिसार की, तो भारी लॉस के अंदर इस समय हिसार का रेलवे स्टेशन होगा। हिसार रेलवे स्टेशन का नज़ारा जो है यहाँ से आप देख सकते हैं किस तरीके से, जो ऐसा लग रहा है कि जैसे पूरा का पूरा जंक्शन ही रुक गया। कैमरामैन से कहूँगा ज़रा नज़दीक से लें, पूरी की पूरी जो ट्रेनें हैं इस समय पटरी के ऊपर जो है खड़ी हुई है। थोड़ा दिखाएं इसको किस तरीके से रेल जो है पूरी की पूरी रुकी हुई है, और कहीं ना कहीं पूरा हिसार रेलवे जंक्शन रुक सा गया है, क्योंकि जो ये समय होता था 3-4 बजे का लगभग समय होता था, तो संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों की जो है आवागमन सबसे ज़्यादा रेलवे स्टेशन पे होती थी, क्योंकि पूरे भारत के जो लोग हैं यही वो रेलवे स्टेशन जिसके ऊपर सभी का आना जाना होता था। और ये रेलें जो है इस समय जैसे थम सी गई हों, कहीं खड़ी रेलें इंतज़ार कर रही हों रामपाल जी महाराज के अनुयायियों का। संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों के बारे में यहाँ के जो है जो ब्रेड वाले हैं, चाय वाले हैं, उनका भी जायज़ा लेंगे कितना असर पड़ा है हर एक व्यक्ति के ऊपर। तो नीचे प्लेटी पर जाकर के आपको हम उन इंसानों से भी रूबरू कराएंगे जो बताएंगे सच्चाई कि कितना जो एक पैसे की इनकम होती थी उन लोगों का, कितना रोज़गार यहाँ पर चलता था उनके आने से। हज़ारों की संख्या में रामपाल जी महाराज के अनुयायी पहुँचते थे, तो कहीं एक बहुत बड़ा असर भी पड़ा है। आम जनता से जानना चाहेंगे कि रामपाल जी महाराज के अनुयायी जब हिसार रेलवे जंक्शन पे होते थे तो कैसा माहौल होता था। नमस्कार जी। नमस्कार सर। क्या नाम आपका? मेरा नाम रोशनलाल सर। कहाँ से हैं आप? भट्टू क्लास से। कैसा माहौल होता था उस समय जब रामपाल जी महाराज के अनुयायी यहाँ पूरी जो प्लेटफॉर्म पे बैठे होते थे, तो कहीं लेटते अपना दंडवत प्रणाम करते थे, कहीं अपना मंत्र जाप करते होते थे, क्या माहौल था? आपने आंखों से देखा कभी? हाँ सर, मैंने देखा। कैसा होता था? बहुत ये रास्ता है प्लेटफॉर्म पर, इस पर बैठ जाते थे बीच में। नहीं, तो वो किसी को परेशान तो नहीं करते थे, वो अपना कुछ परेशान नहीं करते थे। जी जी, उनका वो सिस्टम था उसके हिसाब से चलते थे वो। जी जी जी। इसका कहीं ना कहीं एक रेलवे जंक्शन की अगर मैं बात करूं तो कमाई उस समय हज़ारों की संख्या में वो लोग आते थे, तो उसका तो फर्क पड़ेगा। बिल्कुल पड़ेगा सर। अब टिकटें कितनी बनती होगी? आज अगर मैं देखूं तो सभी जो रेलें हैं एकदम अचानक जैसे हिसार जंक्शन रुक सा गया है, इस समय जो हिसार की जो ट्रेनों के अंदर पग धरने की जगह नहीं होती थी, तो उसकी कमाई तो होती होगी रेलवे जंक्शन। कुछ तो फर्क पड़ा है सर। बिल्कुल। रेलवे स्टेशन के ऊपर चाय की दुकान वाले हैं, चाहे ब्रेड पकौड़ा वाले हैं, मैं दिखाना चाहूँगा रेल आहार मूल्य सूची इनका ये जो है लगाया हुआ है, और यहाँ पर एक कितना फर्क पड़ा है इन्हीं से जानना चाहेंगे, कितने लोग आते थे, कितनी चाय पीते थे, कितना कुछ। नमस्कार जी। नमस्कार सर। क्या नाम है सर आपका? राहुल। कितना असर पड़ा है सर रामपाल जी महाराज के अनुयायी जो हज़ारों की संख्या में आते थे, तो चाय पीना, ब्रेड खाना वगैरह वगैरह सभी चीज सामान आपसे लेते थे, अभी जो बिल्कुल सुनी पड़ी है आज प्लेटफॉर्म, कितना असर पड़ा है हर एक व्यक्ति के बिजनेस पे, चाहे आपका भी लगा लिया हम। बिल्कुल बहुत असर पड़ा सर। जी चीज का पहले तो काफ़ी काम था उनका, जी आते थे जी, आते थे जी, पेशी पोशी होती थी उनके, तब आते थे जी। अब तो काफ़ी फर्क पड़ गया सर उसका। तो क्या कहना चाहेंगे, क्या रामपाल जी महाराज के अनुयायी वापसी लौट के आएंगे इस शहर में? बिल्कुल चाहते हैं सर, क्यों नहीं चाहेंगे, हम तो चाहेंगे। जी जी, हमें क्या दिक्कत है? जी जी, कहना है कि बिल्कुल चाहेंगे रामपाल जी महाराज के अनुयायी अगर वापसी लौट के आते हैं तो हमें फ़ायदा होगा, ऐसा इनका मानना है। जो है अपनी शटालें जो खाली पड़ी हुई हैं, कहीं ना कहीं इस समय जो है सुबह का चाहे शाम का समय होता था, तो यहाँ पर जो है रामपाल जी महाराज के अनुयायी जो है अपना खाना पीना करते थे, चाय पीते थे, तो सभी की सभी जो इस समय सुनसान पड़ी है तो पुकार रहे हैं सभी व्यक्ति। पीछे भी आपने सुना था ब्रेड चाय वाले कह रहे हैं कि रामपाल जी महाराज के अनुयायी अगर लौट के आते हैं तो हमें खुशी होगी और फ़ायदा भी होगा। तो आज का हमारा यही था कि हरियाणा खबर फास्ट चैनल की जो टीम है वो पहुंची है हिसार रेलवे जंक्शन, और पिछली बार हमने दिखाया था मटका चौक, क्रांति चौक का हाल किस तरीके से खाली पड़े सुनसान पार्क, पुकार रहे हैं रामपाल जी महाराज को, तो उसी बीच आज ये पूरे भारतवर्ष के जो लोग थे जो संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी थे उनका सबसे ज़्यादा आना जाना यही था, और यहाँ जो पूरा का पूरा सुनसान पड़ा सिस्टम आप देख ही रहे हैं, किस तरीके से लोगों ने भी बताया कि रामपाल जी महाराज के अनुयायी जब भी इशार आते थे तो कहीं ना कहीं एक बहुत अच्छा फ़ायदा उनको मिलता था, उनकी इनकम होती थी, उनका सामान बिकता था। तो आज ये पूरी की पूरी आप देख रहे हैं, जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी पूरी की पूरी ट्रेनें खाली खड़ी हैं, यहाँ पर ट्रेनों के अंदर पाँव धरने की जगह नहीं रहती थी जिस समय रामपाल जी महाराज के अनुयायी आते थे।
संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी हमें मिले हैं रेलवे स्टेशन हिसार में। इनसे जानेंगे कि किस तरीके का माहौल होता था और कैसा महसूस ये करते थे जब हिसार तारीखों पे आते थे। नमस्कार जी। नमस्कार सर। क्या नाम है? अक्षय। कैसा माहौल होता था उस समय जब हजारों की संख्या में आप लोग यहाँ सभी रेलवे स्टेशन है, चाहे मटका चौक है, फुहारा चौक है, टाउन पार्क है, सभी जगह जो है अपनी चटाइयाँ बिछा के बैठ जाते थे, तो कैसा माहौल होता था उस समय? सर यहाँ से जो अब माहौल है इससे तो सारा अलग होता था। यहाँ पे पैर रखने की जगह भी नहीं होती थी जी। आज ये सारा एरिया खाली है। जब यहाँ पे सारे भगत आदमी जो भी होते थे जी, जी। सारे अपने नियमानुसार बैठते थे जी, जी। अब यहाँ पे जो अलतू फालतू वाले लोग हैं या जो बाहरी व्यक्ति हैं वो ज्यादा घूमने फिरने लग गए हैं। इसका रेलवे स्टेशन को भी नुकसान हुआ है कहीं ना कहीं, एक पूरे भारत से लोग आते थे, हर राज्य से लोग पहुँचते थे, तो कितना इनकम होती थी उस समय और अब कितना लॉस हुआ होगा रेलवे जंक्शन हिसार को? जो सर वो बिजनेस का यही होता है, जितने व्यक्ति होंगे जिसने कस्टमर होंगे जी जी उतना ही प्रॉफिट ज़्यादा होता है। अब जब जिस टाइम हम सारे यहाँ पे लोग आते थे सारे राज्यों से आते थे तो प्रॉफिट जब ज़्यादा होता था, कस्टमर भी ज़्यादा होते थे, प्रॉफिट ज़्यादा होता था जी जी। अब तो ये जो 10-1% रह गया होगा, बाकी के तो कुछ आते नहीं है, ज़्यादा भीड़ भी नहीं होती है, पूरा स्टेशन खाली रहता है। मैं यहाँ पे बहुत बार आते हैं जैसे। जनता को क्या नुकसान पहुंचता था जब रामपाल जी महाराज के लिए आते थे, आम जनता को क्या हानि होती थी उसे? आम जनता को तो बस हानि यही हो सकती है कि भीड़ के कारण जो नॉर्मल तकलीफें आती हैं वो हो सकता है, और तो बाकी सबको फायदा था। ये जो व्यापारी हो गए उनको, ट्रैफिक वाले, रेलवे जंक्शन, सबको प्रॉफिट ही होता था। ठीक है, तो ये थे रामपाल जी महाराज के अनुयायी जिन्होंने बताया है कि हर एक व्यक्ति को उसमें फ़ायदा होता था। जब भी रामपाल जी महाराज के अनुयायी आते थे तो रेलवे जंक्शन के ऊपर वो अपना जो भी उनको प्रणाम करना होता था, बैठना होता था, वो अपनी प्रक्रिया करते थे, हर एक व्यक्ति को इसका लाभ मिलता था। कृपया आप सुन रहे हैं इसमें जो अनाउंसमेंट हो रही है बार बार, हर एक गाड़ी के नंबर बोले जा रहे हैं लेकिन गाड़ी में बैठने वाला यहाँ कोई नहीं है, क्योंकि सबसे ज़्यादा होते थे ये सुन लीजिए 4-7-3-0 फाजिलका रिवाड़ी पैसेंजर प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर खड़ी है। बैठने वाला कोई नहीं है, बार बार अनाउंसमेंट हो रही है कि रामपाल जी महाराज के अनुयायी जब यहाँ होते थे उस समय जो अनाउंसमेंट का इंतजार करते थे कि जैसे ही अनाउंसमेंट होती है वो गाड़ियों में खचाखच गाड़ियाँ भर जाती थी, तो आज अनाउंसमेंट हो रही है, गाड़ी में बैठने वालों की संख्या नाम मात्र है। आवाज़ है वो भी सुनना चाहेंगे किस तरीके की जो है रेलवे स्टेशन की आवाज़ है, कहीं ना कहीं संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों को पुकार रही होगी यहाँ की जो सुनसान पड़ी रेलवे स्टेशन की प्लेटफॉर्म जो है। इस समय मैं बताना चाहूँगा हजारों की संख्या में रामपाल जी महाराज के अनुयायी, और ये पूरा का पूरा जो सिस्टम देख रहे हैं, इसके ऊपर जो चटाइयाँ बिछी होती थी इसके ऊपर वो अपने मणकों की माला लेकर के हाथ में जाप करते थे, दंडवत प्रणाम यहाँ पर किया जाता था, तो कैसा माहौल था उस समय। और आज ये आप देख रहे हैं पूरा का पूरा, आगे तक जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी ये पूरी की पूरी सुनसान पड़ी है। इस समय इक्का दुक्का व्यक्ति यहाँ पर आपको घूमते हुए नज़र आएंगे। तो यही था आज का हमारा प्रोग्राम।